अरे मोदी जी, कब से सब्जी की दुकान रख ली? मैं तो सब्जी खरीदने ही जा रहा था। ये बताओ टमाटर क्या रेट दिए? टमाटर 50 रुपए किलो है, 50 रुपए समझे, सस्ते ही बेच रहा हूँ 50 रुपए, मंडी से 2 रुपए कम बेच रहा हूँ। और प्याज तो तुम्हारी बहुत छोटी है, प्याज को तो छोड़ो। अच्छा ये बताओ बैंगन क्या रेट है? बैंगन का रेट बताओ। बैंगन भी सस्ते हैं, बैंगन भी 100 रुपए किलो है समझे। अच्छा मूली का रेट बताओ, मूली क्या रेट बेच रहे हो? कुछ लेना हो अखिलेश तो बताओ, ये भावबाजी तो करूं मत यहाँ पर समझे, टाइम पास कर रहे हो। मूली 10 रुपए किलो लगेगी एक रेट। चलो ठीक है मोदी जी, मूली दे दो 1 किलो, 1 किलो मूली दे दो। चलो ठीक है मूली तोलता हूँ तुम्हें 1 किलो। दुनिया भर के भाव पूछ रहे हो, लेना मूली थी। अरे मोदी जी, थोड़ी देर पहले मैं मूली लेके गया तो मुझे तो 20 रुपए लगाई आपने, और अखिलेश को 10 रुपए किलो बता रहे हो, ये कोई बात नहीं हुई समझे। देखो योगी जी, मैं भाव कम्बल करता रहता हूँ, जब ज्यादा भीड़ होती है तो सब्जी महंगी बेचता हूँ, और जब कम भीड़ होती है कोई नहीं आता तो मैं सब्जी कम रेट में बेचता हूँ। अरे मोदी जी, 1-2 रुपए कम रेट की तो अलग बात होती है, तुम तो पूरे आधे आधे का फर्क कर रहे हो। मुझे 20 रुपए दी, अखिलेश को 10 रुपए दे रहे हो, पूरे आधे आधे का फर्क। मुझे पैसे वापस दो। पैसे वापस मैं नहीं दूंगा योगी जी समझे, जो सब्जी मैंने बेच दी तो बेच दी। अरे मोदी जी, मुझसे तुम्हारा तरस देखा नहीं जा रहा है, तुम इतनी मेहनत से हम दो लोगों को खींच रहे हो समझे। तुम अकेले वहां खड़े थे तो मुझसे तुम्हारा तरस देखा नहीं गया, मैंने तुम्हारा रिक्शा कर लिया। हालांकि मेरा परमानेंट रिक्शा है एक, वो छोड़ के मैंने तुम्हारा रिक्शा कर लिया। अरे मोदी जी, इतनी मेहनत क्यों करते हो, इतने बुढ़ापे में क्यों करते हो? अरे अखिलेश, तुमने मेरे ऊपर तरस तो खाया, इस बेरहम दुनिया में कौन किस पर तरस खाता है समझे। इस पेट की भूख के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है, और अपने परिवार के लिए करना पड़ता है, नहीं तो इस बुढ़ापे में कौन मेहनत करता है इतनी। तुम तरस मत खाओ मुझ पे, मुझे तो जमाना हो गया ये रिक्शा खींचते खींचते, लेकिन इस बुढ़ापे में अब खींच नहीं पाता, फिर भी खींचना तो पड़ेगा ही, अगर खींचूंगा नहीं तो घर कैसे चलेगा। अरे अखिलेश, तुम तो इस शहर में नए आए हो समझे, मैं तो जमाना हो गया मोदी जी को इतनी मेहनत करते हुए। ये बहुत मेहनत करते हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी जिंदगी में। एक जमाना था इनका रिक्शे की कमाई में नाम चलता था, उस टाइम मैं भी रिक्शा चलाता था, लेकिन मैं आगे बढ़ गया ये पीछे रह गए, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की, बहुत, और आज तक कर रहे हैं। सही कह रहे हो योगी जी, मुझसे मोदी जी का तरस देख नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं देख मिल रहा है। मोदी जी एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा लिवा देता हूँ समझे, वो ही चलाना, ये मेहनत मत करना आप तुम। और रही रिक्शे के पैसों की बात, वो अभी मैं लिवा दूंगा, लेकिन हल्के हल्के तुम मुझे देते रहना। अरे मोदी जी, मेरे फसल की रखवाली सही से कर रहे हो, बढ़िया तरीके से कर रहे हो समझे। पिछली बार मैंने खेतों की चौकीदारी राहुल से करवाई थी, उसने तो पूरी फसल जानवरों को खिला दी थी, तुम सही से देख रेख करवा रहे हो? योगी जी टेंशन मत लो, आपकी फसल का एक दाना भी इधर का उधर नहीं होगा समझे। मैंने चौकीदारी बहुत की है और हमेशा चौकीदारी करता आ रहा हूँ, और मैंने चौकीदारी पे साथ में अखिलेश को भी रख लिया है, अब हम दोनों साथ में ही रहते हैं यहाँ मचान पर। अरे अकेले टाइम नहीं करता था, इसीलिए मैंने अखिलेश को भी रख लिया। मैं पूरब साइड की फसल को देखता हूँ, ये पश्चिम साइड की फसल को देखता है, इस तरीके से देख रेख भी बढ़ गई। देखो मोदी जी, तुम अखिलेश को रखो या किसी और आदमी को बढ़ाओ या कितने भी आदमी बढ़ाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने तुम्हें 10,000 रुपए महीने पे तय किया है, मैं 10,000 रुपए दूंगा समझे, अलग से किसी बंदे का पैसा मैं नहीं दूंगा, तुम्हें बस मेरी फसल को साफ सुथरा रखना है। अरे कैसी बात करती हूँ योगी जी, तुम्हारी फसल का एक दाना भी इधर उधर नहीं होगा समझे, मैं किस बात के पैसे ले रहा हूँ, किसी चीज के तो ले रहा हूँ। और रही बात पैसों की, तो अखिलेश को तो पैसे मैं दूंगा, जो तुम मुझे 10,000 दोगे मैं उसी में से जो दे दूंगा ये रख लेगा, ये तो खाली फिर रहा था, मैंने इसे बैठा लिया है साथ में। अरे योगी जी, तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं तुम्हारी फसल की रखवाली जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा, मुझे तो यहाँ पर मोदी जी लाए, मुझे उनसे मतलब है समझे। बस एक बात कहूंगा यार, ये मचान सही करवा लो, मचान बहुत कमजोर है, ऐसा लगता है अब गिरे अब गिरे। अरे मोदी जी, मेरा कुर्ता सिल गया कि नहीं सिल गया? अरे मैं कितने चक्कर मार चुका हूँ, लेकिन तुम मेरा कुर्ता सिल ही नहीं रहे हो, तुम्हारे कान पर जू नहीं रिंग रही है समझे, मेरे चक्कर का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे मैं गरीब आदमी हूँ, कितने चक्कर मारूं, नंगा फिर रहा हूँ मैं तुम्हारे चक्कर में, तुमने कुर्ता नहीं सिल कर दिया है। अखिलेश, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम बार बार तो चक्कर मारा मत करा करो, जब भी तुम कपड़ा देते हो तुम्हारा यही नाटक रहता है। मैं एक हफ्ता बताता हूँ कि एक हफ्ते में कुर्ता मिलेगा, लेकिन तुम उसे एक हफ्ते में 10 ही चक्कर मार देती हूँ समझे। ये बार बार आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मोदी जी, मेरी हालत तो देख ही रहे हो, मैं बिना कुर्ते के फिर रहा हूँ,
ये तो देखो तुमने एक हफ्ता मुझे क्यों बताया, तुम दो दिन में सिल सकते हो मेरा कुर्ता। देखो अखिलेश तुम्हारा अकेले का काम नहीं है मेरे पास, मेरे पास दूर दूर से लोग कपड़ा सिलवाने के लिए आते हैं। अभी मुझे तुमसे पहले केजरीवाल दे गए थे, उनका भी अभी कुर्ता नहीं सिला गया है। कुछ दिन पहले अमित शाह दे गए थे, उनका भी रह गया है। अरे फिर भी मैं उनसे पहले तुम्हारा सिल के दे रहा हूँ, एक हफ्ते का सबर तो करो। अरे क्या कह रहे हो मोदी जी कि केजरीवाल और अमित शाह से पहले सिल रहे हो मेरा कुर्ता? मेरे बाद में योगी जी ने तुम्हें कुर्ता दिया था समझे, लेकिन तुमने उन्हें पहले कुर्ता सिल के दे दिया, इसीलिए तो मैं चक्कर मार रहा हूँ। मेरी गरीबी का हाल नहीं देख रहे हो? चलो ठीक है मैं चलता हूँ, जल्दी सिल देना। अरे मोदी जी वो देखो पीछे देखो, अखिलेश चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसे भी बैठा लो, बाल का पानी बढ़ रहा है, नहीं तो वो बाल में बह जाएगा। मोदी जी बैठा लो। अरे बह जाने दो राहुल, उसे बह जाने दो, इस अखिलेश को बह जाने दो, इससे तो मुझे बहुत तगड़ी दुश्मनी है समझे। अब इस ठेले पे बैठा लूं, इसी ठेले पर जब मैं सब्जी का ठेला लगाता था तो इसने मुझसे कभी सब्जी नहीं खरीदी, हमेशा रामू सब्जी वाले से सब्जी खरीदता था, मुझसे दुश्मनी रखता था। जिस ठेले से ये दुश्मनी रखता था उसी ठेले से इसे बचा दूं, मैं कभी नहीं बैठा लूंगा इसे। अरे मोदी जी मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुमसे सब्जी नहीं खरीदी, मुझे इस ठेले पे बैठा लो, नहीं तो बाढ़ का पानी वो देखो बढ़ रहा है, मैं बह जाऊंगा। बैठा लो मुझे, आज के बाद अगर तुम कभी भी सब्जी का ठेला लगाओगे तो मैं तुमसे ही सब्जी खरीदूंगा, उस रामू से बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। रामू से भी सब्जी खरीदने की कोई वजह थी समझे, वो वजह ये थी वो सब्जी सस्ती देता था, तुम महंगी देते थे, इसीलिए मैं उससे खरीदता था, लेकिन आज के बाद बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, मुझे बचा लो। अरे मोदी जी जब इतने प्यार से कह रहा है बचाने को तो बचा लो समझे, तुमने राहुल को भी तो बैठा ला और लालू जी को भी बैठा ला, तो उसे भी बैठा लो। ठीक है योगी जी तुम्हारी बात मान लेता हूँ, चलो बैठा लेता हूँ मैं, अखिलेश आ जाओ बैठ जाओ, लेकिन अखिलेश आगे ध्यान रखना, अगर मैं कभी भी सब्जी का ठेला लगाऊं तो मेरे पास से ही सब्जी खरीदना, मेरे इस एहसान को याद रखना समझे, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। क्या बात है योगी जी, बिल्कुल लय और ताल के साथ चिमटा बजा रहे हो, क्या बात है योगी जी। मैंने सोचा अमित शाह आए हैं अपने यहाँ पर तो थोड़ा गाना बजाना हो जाए, बड़ा मजा आ रहा है, तुम ही सही बजा रहे हो। अरे अखिलेश तुम लय और ताल के साथ बिल्कुल ताली नहीं बजा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं बजा रहे हो। अमित शाह जी आप मेहमान बन के जरूर आए हैं हमारे घर, लेकिन ताली तुम भी लय और ताल से नहीं बजा रहे हो, बिल्कुल नहीं बजा पा रहे हो। अरे मोदी जी मुझे कोई ताली बजाना थोड़ी आती है, आपने बैठा ना मैं बैठ गया, आपने कहा कि मैं आया हूँ तो थोड़ा गाना बजाना हो जाए, इसीलिए मैं बैठ के ताली बजाने लगा, अब मुझे बजाना थोड़ी आ रही है, जैसी बजा रहा हूँ बस। मोदी जी हमारी खामियां तो निकालते रहते हो तुम, अरे तुम भी तो ढोल सही से नहीं बजा पा रहे हो, ढोल सही से बजाओ, तुम्हारा हाथ ढोल पर सही से नहीं पड़ पा रहा है, लय और ताल से हट के पड़ रहा है तुम्हारा हाथ ढोल पर। हाँ एक बात कहूंगा मैं, अपना चारों में सिर्फ योगी जी मन से चिमटा बजा रहे हैं, उनका लय और ताल के साथ चिमटा बज रहा है, गाओ भाई गाओ मिलके सब गाओ। अरे अखिलेश मैं पुराना चिमटा बजाने वाला हूँ, बचपन में बैठ जाते थे मिलके चकड़ी में और गाना बजाना होता था और चिमटा मैं ही बजाता था समझे, हमेशा चिमटा मैंने ही बजाया, इसीलिए चिमटा मुझे बहुत बढ़िया बजाना आता है। गांव मिलके बहुत मजा आ रहा है, आज आनंद आ रहा है, अमित शाह जी तुम्हारी आने की खुशी से दिल बाग बाग हो गया। अरे मोदी जी ये गोबर के उपले का धंधा कब से चालू कर दिया, बहुत उपले बना डाले तुमने और अकेले ही बना रहे हो, अरे किसी बनाने वाले को रख लेते, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो अकेले, और इतना गोबर लाते कहाँ से हो, कहाँ से लाते हो इतना गोबर। अरे अखिलेश इस धंधे से ज्यादा कमाई किसी में नहीं है, इस धंधे को चालू किए हुए मुझे अभी 10 दिन ही हुए, मैंने कितने उपले बना डाले, और रही गोबर लाने की बात, गोबर किसी का भी भैंस का चुपके से उठा लो, गोबर कोई देने से मना थोड़ी करता है। ये जो बीच में योगी जी मुस्कुरा रहे यही इधर उधर से गोबर ले आते हैं भैंसों का, मैं उपले बना लेता हूँ, बस इसी तरीके से काम चलना है। अरे मोदी जी मुझे भी इस काम में लगा लो समझे, तुमने योगी जी को लगा लिया मुझे तो पता भी नहीं था, अरे मुझे भी लगा लो, मैं समझा ये ऐसी बैठे हैं ये शायद तुमसे उपले लेने आए। अरे योगी जी इसीलिए मुस्कुरा रहे हो, अरे पार्टनरशिप कर ली तुमने मोदी जी के साथ, बताया भी नहीं, अरे मेरी भी पार्टनरशिप करा दो। अरे कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारा साइकिल का बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, अरे तुमने हमें कभी उस बिजनेस में नहीं लगाया, आज इस बिजनेस में लगने की बात कर रहे हो तुम, मैंने भी कैसे कैसे सोर्स लगा के मोदी जी से पार्टनरशिप की है, वैसे मोदी जी योगी जी उपले क्या राइट बेच रहे हो, एक उपला कितने का है। अरे अखिलेश भगवान झूठ ना बुलाए, अभी नया नया बिजनेस चालू किया है इसलिए सस्ता ही बेच रहा हूँ, 5 रुपए का एक उपला बेच रहा हूँ समझे, बड़ा लागत आ रही है इसमें, और हाथ छिल जा रहे हैं उपले बनाते बनाते बिल्कुल, और ये योगी जी तो उपले बनाने में हाथ नहीं लगाते, इनका कहना है मैं सिर्फ गोबर ला के दूंगा,
बस ये गोबर ला के दे देते हैं।